मुड़सवाला च फिरोजपुर की सेंट्रल जेल, जेल के तलाशी दौरान बरामद हुए चार मोबाइल। जिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत, पुलिस ने आप छाते लोगों खिलाफ मामला किया दर्ज। हरियाणा के पानीपत में वापरिया दर्दनाक हादसा, तहसील कैंप इलाके के एक घर के फटिया गैस सिलेंडर, हादसे के एक परिवार के छह जीआं की मौत। कमरे का दरवाजा ना खुलने करके गई जान, सवेरे खाना बनाते समय सिलेंडर च लगी सी अग, घटना तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पंजाब च राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, अज सवेरे खन्ना के दुराहा तो शुरू हुई यात्रा, बिना रुके समराला चौंक तक पहुंचेगी यात्रा। दोपहर 12 बजे तक यात्रा 25 किलोमीटर तक का सफर करेगी तय। यात्रा च पंजाब कांग्रेस के नाल जुड़े वड्डे आगू भी शामिल। लोहड़ी करके भलके नहीं कड़ी जाएगी यात्रा, बीते कल सरहंद तो यात्रा की हुई सी शुरुआत। लुधियाना च राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध, 1984 नसलकुशी पीड़ित परिवारों के वालों किया जा रहा मुजहरा। पंजाब टोल प्लाजा से धरने का मामला, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अज मुड़ होगी सुनवाई। एनएचएआई वालों दाखिल पटीशन से हाईकोर्ट की डबल बेंच करेगी सुनवाई, पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जताई सी चिंता। जस्टिस विनोद भारद्वाज ने रेल और टोल जाम करने दस्या सी ट्रेंड, पंजाब किसानों वालों 13 टोल प्लाजा से दिए जा रहे धरने। हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान को दसिया भगवंत बेईमान, कहा बदलाव के नाते पंजाब तो लिया जा रहा है बदला। सिक्ख्या के खेत च 20वें नंबर पर पहुंचे पंजाब, बिजली महकमा कर्जे हेठ ठप होने कंडे पहुंचे। चार महीने के पंजाब से चाड़िया 30,000 करोड़ का कर्जा, सरकार के कोल सूबा चलाने लई नहीं है कोई भी प्लानिंग, लोहड़ी प्रोग्राम शिरकत करने पहुंचे सन साबका केंद्रीय मंत्री। दिल्ली श्रोमणी अकाली दल की मजबूती के लिए कोर कमेटी का गठन, कुलदीप सिंह भोगल, रविंदर सिंह खुराना, भुपिंदर सिंह आनंद बनाया गया मैंबर, दो हफ्तों के बाकी टीम का भी होगा ऐलान। पठानकोट च चाइना डोर के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 56 थावां से पुलिस वालों की गई छापेमारी, पुलिस ने चाइना डोर के 265 गट्टू किए बरामद। वख वख थाणियां दे विच 15 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, कल जलंधर के किशनपुरा तो भी बरामद हुई सी चाइना डोर, पुलिस वालों लोगों को चाइना डोर इस्तेमाल न करने की अपील। पंजाब कानून व्यवस्था से मुड़ उठे सवाल, जलंधर के बैंक के अंदर लाइव लुट, पिंड हजारा के महिंद्रा कोटक बैंक दिन दहाड़े लखां की लुट। कटक के बाराबती स्टेडियम के हॉकी विश्व कप 2023 का होया रंगारंग आगाज, 13 जनवरी तो 29 जनवरी तक होंगे मुकाबले, 16 टीम देंगे एक दूजे को टक्कर। 22 दिसंबर को कोलकाता तो रवाना होया गंगा विलास लग्जरी क्रूज, कल पटना पहुंचा पीएम मोदी, 13 जनवरी को वाराणसी डिब्रूगढ़ के दुनिया के लंबे रिवर क्रूज एम वी गंगा विलास देंगे हरी झंडी।